वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। उद्यत भानु सहस्त्र कांति मरुणा छ माम शिरो मालिकाम रक्ता लिप्त पयो धराम जपवटीम विद्याम भीतिम वरम हस्ताब्जर दहतिम त्रिनेत्र विलसद वक्ता रविंद्रश्रियम देवी बंद हिमांशु रत्न मुकुटाम वंदे रविंद्रस्थिताम। जय माता दी, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी महाविद्या की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, माता त्रिपुर भैरवी महाविद्या की कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माता त्रिपुर भैरवी महाविद्या की कथा। यह महाविद्या 10 महाविद्याओं में से छठे रूप माता का माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का व्रत हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन से गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। माता महाविद्या सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। तो बोलिए त्रिपुर भैरवी माता महाविद्या की जय। माता त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो कि जीवित तथा मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। वे अत्यंत भयानक स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है तथा वे यमराज के अत्यंत निकट हैं। जीवात्मा को अपने दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज के द्वारा दिया जाता है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव तथा यमराज भयंकर स्वरूप वाले जिन्हें देखकर सभी भय से कांपने लग जाते हैं। दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप विनाश तथा दंड इन भयंकर स्वरूप वाले देवी देवताओं की ही संचालित शक्ति है। देवी कालरात्रि महाकाली चामुंडा आदि विनाशकारी गुणों से संबंधित देवियों के समान मानी जाती है। माता त्रिपुर भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। प्रथम भय या भरणा, जिसका तात्पर्य रक्षण है। द्वितीय र या रमणा, रचना तथा वी या वमना, मुक्ति से संबंधित है। प्राकृतिक रूप से देवी घोर विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित है। देवी तामसी गुण संपन्न है। यह गुण मनुष्य के स्वभाव पर भी प्रतिपादित होता है, जैसे क्रोध ईर्ष्या स्वार्थ एवं मदिरा सेवन धूम्रपान इत्यादि जैसे विनाशकारी गुण जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। देवी इन्हीं विध्वंसक तत्वों तथा प्रवृत्ति से संबंधित है। देवी कालरात्रि या महाकाली के समान गुण वाली है। देवी भैरवी की शारीरिक कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है तथा कभी कभी देवी का शारीरिक वर्ण गहरे काले रंग के समान प्रतीत होता है, जैसे काली या कालरात्रि का है। नग्न अवस्था में देवी 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त एवं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए तथा रुद्राक्ष सर्पों और मानव खोपड़ियों से निर्मित माला से सुशोभित हैं। देवी के लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपने बाएं हाथों में खड़ग तथा मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण करती हैं तथा माता के बाएं हाथों से अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी अपने स्वाभाविक स्वरूप में अत्यंत भयंकर प्रचंड डरावनी प्रतीत होती है। देवी हाल ही के कटे हुए असुरों के मुंडों या मस्तकों की माला अपने गले में पहनती है, जिनसे रक्त की धार बह रही हो। देवी का मुख मंडल भूत तथा प्रेतों के समान डरावना तथा भयंकर है।
देवी का प्राकट्य मृत देह या शव से है। देवी वह शक्ति है जिसके प्रवाह से मृत देह अपने अपने तत्वों में विलीन होते हैं, फिर वह दाह संस्कार से हो या सामान्य प्रक्रिया से। शव दाह संस्कार सबको सामान्य प्रक्रिया से शीघ्र पंच तत्व में विलीन करने हेतु किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध काल से संबंधित है। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंड माला धारण करती हैं। समस्त शरीर एवं अस्तनों में रक्त चंदन का लेपन करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथों में जपमाला तथा पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथों से वर एवं अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं एवं कमल के आसन पर विराजमान हैं। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त होने पर है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी की साधना घोर कर्मों से संबंधित कार्यों में की जाती है। माता त्रिपुर भैरवी देवी मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या से वासना, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नशा तथा भ्रम को मुक्त कर योग साधना में सफलता हेतु सहायता करती है। समस्त प्रकार के विकारों या दोषों को दूर कर ही मनुष्य योग साधना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। कुंडलिनी शक्ति जागृत हेतु समस्त प्रकार के मानव दोषों या अष्टपाशों का विनाश आवश्यक है तथा यह शक्ति देवी त्रिपुर भैरवी द्वारा ही प्राप्त होती है। माता त्रिपुर भैरवी इनका अन्य नाम चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी आदि नामों से माता त्रिपुर भैरवी को जाना जाता है। इनका दक्षिणामूर्ति या वटुक भैरव है। हे माता त्रिपुर भैरवी, आपका जो भी व्रत करे, आपका जो भी कथा श्रवण करे, हे माता त्रिपुर भैरवी, उनके ऊपर अपना सदैव कृपा बनाए रखना, उन्हें सभी प्रकार के उनको सुख और समृद्धि को प्रदान करना। हे माता त्रिपुर भैरवी, आपकी बारंबार जय हो। हे माता त्रिपुर भैरवी, आपकी बारंबार जय हो। हे माता त्रिपुर भैरवी, आपकी बारंबार जय हो। तो बोलिए प्रेम से त्रिपुर भैरवी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।